भारत के 125 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंद्रह अगस्त का ये सवेरा मामूली सवेरा नहीं है, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वातंत्र पर्व का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के सपनों का सवेरा है। ये सवेरा 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प का सवेरा है। और ऐसे पावन पर्व पर जिन महापुरुषों के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण सदियों तक भारत की अस्मिता के लिए जूझते रहे, अपने सर कटवाते रहे, जवानी जेल में खपाते रहे, यातनाएं झेलते रहे, लेकिन सपने नहीं छोड़े, संकल्प नहीं छोड़े, ऐसे आजादी के स्वातंत्र सेनानियों को मैं आज कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले दिनों हमारे देश के अनेक गणमान्य नागरिकों ने, अनेक युवकों ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विश्व भर में भारत का माथा ऊंचा करने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अनगिनत वो लोग हैं जिनको मैं आज लाल किले की प्राचीर से भारत का माथा ऊंचा करने के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सामने भारत की विशालता, भारत की विविधता, इसके गुणगान होते रहते हैं, लेकिन जैसे भारत की अनेक विशेषताएं हैं, भारत में अनेक विविधताएं हैं, भारत की विशालता है, वैसे ही भारत के जन जन में सरलता भी है और भारत के कोने कोने में एकता भी है, और यही हमारी पूंजी है, यही हमारे राष्ट्र की शक्ति है। हमारे देश की शक्ति को सदियों से संजोया गया है, हर युग में उसे नया निखार देने का प्रयास हुआ है। समय की आवश्यकता के अनुसार, भविष्य के सपनों को साकार करने की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ढाला गया है, उन्हें पनपाया गया है, और उससे चीर पुरातन परंपराओं के बीच नित्य नूतन
संकल्पों के साथ यह देश आज यहां पहुंचा है। हमारी एकता, हमारी सरलता, हमारा भाईचारा, हमारा सद्भाव, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। इस पूंजी को कभी दाग नहीं लगना चाहिए, कभी उसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर देश की एकता बिखर जाए तो सपने भी चूर चूर हो जाते हैं। और इसलिए चाहे जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें किसी भी रूप में जगह नहीं देनी है, पनपने नहीं देना है। और जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जुनून हो, उसे हमें विकास के अमृत से मिटाना है, विकास के अमृत धारा पहुंचानी है, और विकास की अमृत धारा से एक नई चेतना प्रगटाने का प्रयास करना है। भाइयों बहनों, यह देश टीम इंडिया के कारण आगे बढ़ रहा है, और यह टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासियों की बृहद टीम है। क्या कभी दुनिया ने सोचा है कि 125 करोड़ देशवासियों की एक टीम जब टीम बनकर के लग जाती है तो वो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वे राष्ट्र को बनाते हैं, वो राष्ट्र को बढ़ाते हैं, वे राष्ट्र को बचाते भी हैं। और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वह ये 125 करोड़ की टीम इंडिया के कारण है और टीम इंडिया के आभारी है। लोकतंत्र में जन भागीदारी ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से हम देश को चलाएंगे तो देश हर पल 125 करोड़ कदम आगे चलता जाएगा। और इसलिए टीम इंडिया के इस रूप में जन भागीदारी को बल दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से MyGov.in हो, चाहे नागरिकों से लगातार आते रहे लाखों पत्र हो, चाहे मन की बात हो, चाहे नागरिकों के साथ संवाद हो, इसी मार्ग से दिनों दिन जन भागीदारी बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी मात्रा में हर काम में दूर सुदूर गांवों में बैठे हुए लोगों के भी सुझाव हमें मिलते रहे हैं, और यही टीम इंडिया की ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बात निश्चित है, इस टीम इंडिया का एक ही जनादेश है, और वो जनादेश है हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी योजनाएं इस देश के गरीब को काम आनी चाहिए। अगर हम गरीब से गरीबी से मुक्ति की लड़ाई में बल प्रदान करते हैं, उसे सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो देश का कोई गरीब गरीबी में गुजारा करना नहीं चाहता है।
वह भी गरीबी से जंग जड़ना चाहता है और इसलिए शासन व्यवस्था की सार्थकता इस बात में है कि हमारी व्यवस्थाएं, हमारे संसाधन, हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम गरीबों के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोगी आते हैं। भाइयों बहनों, गत 15 अगस्त को मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे थे। तब मैं नया था और मैंने जो शुरू शुरू में देखा था उसको मैंने कोई लाग लपेट के बिना खुले मन से 125 करोड़ देशवासियों के सामने रख दिया था। लेकिन आज एक वर्ष के बाद उसी लाल किले की प्राची से, पवित्र तिरंगे झंडे की साक्षी से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि एक साल में टीम इंडिया 125 करोड़ देशवासी एक नए विश्वास के साथ, नए सामर्थ्य के साथ, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए समय सीमा में सपनों को साकार करने में जुट गए। एक नया विश्वास का माहौल पैदा हुआ था। मैंने गत 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी घोषणा की थी। देश में 60 साल बीते, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 60 साल के से भी अधिक समय के बाद गत 15 अगस्त को देश के 40% लोग बैंक खातों से वंचित थे। गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे बंद थे। हमने संकल्प किया कि इस कलंक को मिटाना है और विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बातें होती है उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक मजबूत धरातल पर अगर लाना है तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा और बैंक अकाउंट ये उसका एक प्रारंभ बिंदु है। और हमने तय किया था करेंगे, करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं। हमने कहा था छब्बीस जनवरी को जब देश फिर एक बार तिरंगे झंडे के सामने खड़ा होगा तब तक समय सीमा में काम पूरा करेंगे। मेरे देशवासियों, मैं आज गर्व से कहता हूं कि हमने समय सीमा में काम पूरा किया। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खुलवाए और हमने तो कहा था गरीबों को अवसर देना था, इसलिए कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। बैंकों को खोलने की कागज पट्टी का खर्चा होगा तो होने देंगे। आखिर बैंकें है किसके लिए? गरीब के लिए होनी चाहिए। और इसलिए जीरो बैलेंस से हमने अकाउंट खोलने का संकल्प किया था। लेकिन मेरे देश के अमीरों को हमने देखा है और इस बार देश ने गरीबों को भी देखा।
और गरीबों की अमीरी को देखा है और मैं इन गरीबों की अमीरी को आज लाल किले की प्राची से शत शत नमन करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी इन गरीबों ने 20,000 करोड़ रुपया बैंक के खातों में जमा करवाए। अगर ये गरीबों की अमीरी न होती तो कैसे संभव होता। और इसलिए इन गरीबों की अमीरी के बलबूते, गरीबों की अमीरी के बलबूते ये टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास आज प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में कहीं पर एक बैंक का ब्रांच खुल जाए,